इंटीरियर रेनोवेशन का तो सोच लिया पर बड़ा कंफ्यूजन है टाइल और वॉलपेपर के बीच में, तो आइए मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप भी अगर इंडोर स्पेस में कहीं पर हाई मॉइस्चर है किसी वॉल पे, या डैम्पनेस है या सीलन है, तो मैं बोलूंगा वहां पर टाइल लगा लीजिए, वॉलपेपर वहां पर उतना सक्सेसफुल नहीं होगा। टाइल के अंदर और वॉलपेपर के दोनों के अंदर एस्थेटिक के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर्स एंड पैटर्न्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें और आपको चेंज नहीं करना है कुछ, तो 8-10 साल 15 साल के लिए तो टाइल बेटर है, क्योंकि वॉलपेपर 5-7 साल बाद थोड़ा रेनोवेशन मांगता ही है, पर टाइल लॉन्जिविटी है, उसके साथ लंबे समय तक चल सकता है। टाइल की इंस्टॉलेशन थोड़ी कम्प्लेक्स है, क्योंकि टाइल के लिए ना रेता, बदरपुर, सीमेंट सब चाहिए होता है। वॉलपेपर की इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, इसको इमीडिएटली एक ही दिन में लगाया जा सकता है, वेरस टाइल हो सकता है एक दिन में ना लग पाए। टाइल की मेंटेनेंस बड़ी आसान है, आप इसको गीले कपड़े से, पानी से कैसे भी करके साफ कर सकते हो, वेरस वॉलपेपर के साथ थोड़ा सा तो चैलेंज आता ही है। टाइल की कॉस्ट और मटेरियल की कॉस्ट और लगाने की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, वॉलपेपर की कॉस्ट उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है, पर आजकल दोनों ही जगह एंडलेस वैरायटीज हैं, तो टाइल भी महंगी आती है और वॉलपेपर भी बहुत महंगे आते हैं, तो आपको चूज करना है आपको क्या चूज लेना है।